बड़ों को नमस्कार और बाकी सबको हेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अदितिस क्विजिन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सूजी का हलवा, या ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो सबके घर में बनती है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे कि उनका हलवा खिला खिला नहीं बनता है, और मैं उनको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊँ कि उनका भी हलवा खिला खिला बनने लगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका हलवा खिला खिला नहीं बनता है। आप इस इजी सी टेक्निक को फॉलो करिए, अब आप सबका हलवा खिला खिला जरूर बनेगा। मैंने 150 ग्राम के करीब सूजी ली है, 50 ग्राम के करीब शुगर लिया है। इसको आप मेज़र करेंगे तो ये 5 से 6 टेबलस्पून आएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिए और 2 टेबलस्पून ही मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप देसी घी और रिफाइंड ऑयल मिक्स करके डालेंगे तो आपका सूजी का हलवा बिल्कुल खिला खिला बनेगा। मैंने 5 से 6 आलमंड्स लिए हैं, 5 से 6 काजू लिया है। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया और काजुओं को तोड़ लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने चिरौंजी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने मगज लिया है, कुछ रेजिन्स लिए और एक इलायची ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई में मगज को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो इसमें बहुत ही कम समय लगता है। देखिए अब ये तड़कना शुरू हो गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए। पहले हम आलमंड्स डालेंगे। और कुछ सेकेंड बाद काजू डालेंगे। काजू हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि काजू को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर आप उसको पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगा। अब ये हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे और बाकी बची हुई देसी घी भी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें। इसको चलाते हुए हैं, अब जो शुरुआत में हमने इलायची ली थी उसको भी तोड़कर डाल देंगे। आप चाहें तो सूजी डालने से पहले डायरेक्ट घी में आप इलायची डाल सकते हैं, उसके बाद सूजी डालें। मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। सूजी को मिक्स करते हुए हैं। सूजी को आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको इसमें तकरीबन 5 से 7-8 मिनट का समय लगेगा। आपकी सूजी पे डिपेंड करेगा कि आपकी सूजी की क्वांटिटी कितनी है। अगर मेरी इतनी है तो 5 से 7-8 मिनट में हो जाएंगे। अगर आपकी सूजी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप उसको चलाते रहें। जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी सूजी भुन चुकी है। मुझे सूजी को भुनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें काजू और आलमंड्स के अलावा जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें अपने काजू और आलमंड्स को भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारी सूजी भुन चुकी है तो अब हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। पानी के मेजरमेंट के लिए जिस बाउल से मैंने एक बाउल सूजी लिया है उसी बाउल से मैंने 1.5 बाउल पानी लिया है। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें पानी बस उतना चाहिए कि हमारा सूजी का एक एक दाना प्रॉपर तरीके से पानी में सोख हो पाए। इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसमें अब शुगर भी ऐड कर देंगे। इसको आप कंटिन्यूअसली चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आ पाए। इस टाइम पे मैंने वीडियो कट नहीं किया है ताकि आप शुरुआत से अंत तक का पूरा प्रोसेस देख पाएं। सूजी ने पानी सोख करना शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसको मिक्स करते हुए हैं। बस कुछ देर और आपको अपने हाथों से मेहनत करनी है। इसको मिक्स करते हुए हैं। हमें सूजी को उस स्टेट तक ड्राई करना है कि ये ज़्यादा ड्राई भी ना रहे और ज़्यादा गीला भी ना रहे। देखिए ये स्टेट आपका सही है। अब आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए सूजी के एक एक दाने बिल्कुल अलग हैं। तो लीजिए आपका सूजी का खिला खिला हलवा बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर पे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपका सूजी का हलवा खिला खिला बना या नहीं बना। अंत में अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।